हेलो गाइस, ट्यूब नॉलेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बताएंगे कि विंडो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव में कैसे पार्टीशन बनाते हैं। यदि आप भी अपनी हार्ड डिस्क में पार्टीशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सही है। हार्ड डिस्क पार्टीशन का मतलब हार्ड डिस्क को टुकड़ों में बांटना। तो दोस्तों, आप भी हार्ड डिस्क पार्टीशन करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसी टेक्निकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में, जानते हैं कैसे हार्ड डिस्क का पार्टीशन बनाते हैं। तो दोस्तों, बनाते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव के पार्टीशन। सबसे पहले आपको दिस पीसी या माई कंप्यूटर जो भी है उस पर राइट क्लिक करना है और उसकी ये मैनेज टैब है, उस पर क्लिक करना है। ये इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों नई विंडो खुल जाएगी, और विंडो खुलने के बाद में दोस्तों ये जैसे विंडो खुल रही है, ये विंडो खुलने के बाद में दोस्तों आपको इसमें डिस्क मैनेजमेंट, ये देख पा रहे हो आप, डिस्क मैनेजमेंट जो टैब है उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद में राइट हैंड साइड में ये अलग से डिस्क का जो भी पार्टीशन है ये शो कर देगा। तो ये जैसे डिस्क 01 में ओनली सी ड्राइव बना हुआ है और ये 50 MB का सिस्टम। अलोकेटेड पार्टीशन बचा हुआ है, मतलब इसका कोई भी ड्राइव वगैरह नहीं बनाया है, तो इस पर राइट क्लिक करना है आपको। न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है, उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। जितने भी जीबी का आपको पार्टीशन बनाना है उसको, जैसे 80 GB का बनाना है तो 80,000 के समथिंग, तो 80-80 GB के समथिंग वो पार्टीशन बन जाएगा। उसमें आपको ड्राइव लेटर आप चाहे तो अपनी इच्छा से चूज कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिक जो लेता है उसको रहने दे, वो नेक्स्ट कर दे। उसमें आपको जो फाइल सिस्टम में फॉर्मेट करना है वो NTFS है तो कर देना है, और आप जो भी ड्राइव लेटर का नाम देना चाहते हो, जैसे डेटा है या मूवीज़ है, वीडियोज़ है, डॉक्यूमेंट्स है, वो आप यहाँ पे दे सकते हो नाम। उसके बाद में आप नेक्स्ट कर दोगे, नेक्स्ट करने के बाद में आप फिनिश कर दोगे। ये कुछ सेकेंड फिनिश करने के बाद में फॉर्मेट कर रहा है, ये फॉर्मेट में कुछ सेकंड टाइम लेके ये आपको यूजेबल पार्टीशन के लाइक हो जाएगा। आप अब इसको काम में ले सकते हो। ये ओपन कर रहा हूँ मैं इस ड्राइव को, ये ओपन हो गया है, आप इसको यूज में ले सकते हो। तो उसके बाद में दोस्तों देख पा रहे हो 295.75 GB का कुछ स्पेस बचा हुआ है। इसका भी मैं नया पार्टीशन बनाऊँगा। न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है, के बाद में जो भी बचा हुआ स्पेस है वो आपको दे देना है, या जो भी आप साइज़ का बनाना चाहते हो वो उसमें साइज़ दे देनी है। जो भी ड्राइव लेटर आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। इसमें NTFS वो नेक्स्ट करके मैं ड्राइव लेटर चेंज नहीं कर रहा, फिनिश कर। इस प्रकार ये नया पार्टीशन क्रिएट हो चुका है दोस्तों, देख पा रहे हो ये फॉर्मेट होके ये यूज के लिए रेडी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप डिस्क के पार्टीशन बना सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों, और ऐसी टेक्निकल वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।